जस्ट टीवी देख रहे हो तुसी, मैं केपी सिंह, अज दा मुद्दा तुहाडा स्वागत करदा। भारत सरकार ने एक वड्डी कार्रवाई की है, जिस कार्रवाई ते बहुत सारे सवाल बाकी है कि है, उन्हां सवालों नूं समझना जरूरी है। कार्रवाई की है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कि 9 जणियां नूं दहशतगर्द ऐलानिया। इहदे विच गुरपतवंत पन्नू का नाम भी शामिल है, तो इस तों इलावा होर नाम भी शामिल है, जे तुहाडी टीवी स्क्रीन ते सारे नाम आ जाणगे। इसलिए असीं इह सवाल पुछ रहे हां तुहानूं सारिआं नूं, तुहाडे अगे सवाल रख रहे हां कि 9 नूं दहशतगर्द ऐलानिया गया, की चाहुंदी है, की कहना चाहुंदी है सरकार। पॉइंटर्स तुहाडे नाल सांझे कर लईए पहलां, उस तो बाद मेहमान नाल तुहाडा तारुफ भी करवांगे। भारत दे गृह मंत्रालय ने यह वड्डी कार्रवाई की है, विदेश में बैठे 9 लोगों को दहशतगर्द ऐलानिया, जिदे विच SFGA दे गुरपतवंत पन्नू सने 9 जणियां दी सूची जारी की गई है। पंजाब हरियाणा च वी पन्नू ते मामले दर्ज किए गए। इस तो बाद जिवें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की है, उस तो पंजाब हरियाणा च वी इह कार्रवाइयां पईआं गईआं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की कार्रवाई ते सियासत तपी हुई है, आपदे तरीके नाल प्रभाषित किया जा रहा इस सारे मुद्दे नूं। सियासत सने कई सिख जथेबंदियों की राय वंडी हुई नजर आ रही है, अलग अलग राय है इस पूरे मुद्दे ते। भारतीय कार्रवाई ते पन्नू ने जवाब दिता, कहिंदा मैनूं फड़ के दिखाओ। तो प्रधानमंत्री मोदी सने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते भी उन्होंने तिखे हमले किए है, ये उन्हों का जवाब हैगा। तो यही अज का मुद्दा तुहाडे अगे असीं रख रहे हैं, तो साडा खास मेहमान मौजूद होण के उन्हां तुहाडा तारुफ करा रहे हैं। प्रोफेसर मनजीत सिंह, जिन्हों अक्सर तुसीं पोलिटिकल डिबेट्स में देखते हो, पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर विचरते हैं, तकरीबन 30 साल का 3 दहाकों का उन्होंने तजर्बा पढ़ाउण दा, विद्यार्थी उन्होंने तैयार किए, BSc MSc सोशियोलॉजी उन्होंने की हुई है। सोशियोलॉजी के जड़ियाँ चीज़ा आदियाँ, समाज विज्ञान, समाज शास्त्री, समाज में किस नज़रिए देखा जाना चाहिए वो इन्होंने देखिया। ट्रेड यूनियन के उत्ते बहुत काम किया, इन्होंने अंबेडकर सेंटर के प्रेजिडेंट रहे 10 साल, तो लंबा तजर्बा इन्हों का। तो इस मुद्दे पर जोड़ा पक्ता मुद्दा है उस पर इन्हों की चंकी पकड़ है, इसलिए सद। प्रोफेसर मनजीत सिंह सर, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रोफेसर मनजीत सिंह, पहला सवाल तुहानू करना चाहूँगा कि जिहड़ी कार्रवाई की है, इसनों किस नज़रिए देखा जाए? रेफरेंडम रोकने की तैयारी सिर्फ इसमें देखा जाए, जां इसनों किसी होर पहलू तो समझा जाए? देखो, तुहानू पता कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वाला जिहड़ा UAPA एक्ट है, वह पिछली साल ही उन्होंने सितंबर च अमेंड किया है, और उहदी पहलां वह ऑर्गेनाइजेशन नूं टैररिस्ट करार देंदे सी, उहदे लई एक अपना पैराफरनेलिया जां उहदा क्राइटीरिया सी। पर इदों जदों इन्होंने अमेंडमेंट करके एक किसी इंडिविजुअल नूं टैररिस्ट करार देण दा इह पिछले साल उहदे च लै के आए, तो तुहानूं याद है कि भई वो जिहड़े पाकिस्तान दे विच टैररिस्ट भेजे, सब तो पहला उन्हां नूं चार नूं इन्हां ने उदों टैररिस्ट करार दिता सी। पर असीं उदण भी इह कहिंदे सी कि इह अधिकार UAPA दे विच नहीं होना चाहिए, जे उहनूं कहिंदे ते है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़, वह जिहड़ा कानून हैगा। पर इहो जिहे कानून असीं देखे, बणिया 1967 का हैगा, पर उहदी कोई बहुती उस तरह की कार्रवाई नहीं ऑर्गेनाइजेशन नूं दिंदे सी। जदों इंडिविजुअल ते KP सिंह इन्हां ने फोकस करना, सानूं पता सी भी इह गाज उन्हां लोकां ते गिरूगी जिहड़े बिल्कुल जेन्युइन ह्यूमन राइट्स दे एक्टिविस्ट होणगे, उस तक इह गल पहुँचूगी। वह मुसलमानां तो हुण इह खालिस्तानियां ते आ गई गल, खालिस्तानियां तो तुहाडे अपने देश दे अंदर भी जिहड़ा भी डिसेंट होऊगा उहनूं कुचण लई उह टैररिस्ट करार। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਲਓ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਹਮਾਇਤ ਵੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। देखो, जिहड़ा बयान उन्होंने दिता, मैं जे तुसी डायरेक्टली पन्नू दी सुन लो जिहड़े उन्होंने सारा कुछ किया है KP सिंह, तो मैं बड़ा हैरान हाँ, उहदे च कोई भी बहुती मैनूं सिक्खी वाली गल लगती नहीं। सिख एक अलग रस्ता आ, एक जीवन जाच आ, एक बिल्कुल अलग राजनीति ते फलसफा हैगा। पर ये मैनू तो लगता जिवें कितें बदमाशी कोई कह रहा हो, चंगा मेरे महल्ले च आके वड़ के दसी जे मैं तैनूं बाहर निकल दिया, मेरी भी मुछ खड़ी आ, तू भी अपनी, मैं तैनूं गोली मार दूंगा, कानून की गोली मार दूंगा, मत्थे च मार दूंगा, किहड़ियां गल्लां करदे? बड़ा ही बचपना मैनूं लग रहा आ, कोई सीरीयसनैस नहीं लगती है कि इहो जिहे बंदियां दे पिछे लोक लग के इत्थे खालिस्तान बन जूगा, उत्थे बैठे हन। जो भाषा वरत रहे हैं, देखो साडा सलीका, साडा भाषा, साडी खड़े होण दी, बोलण दी सारी चाल ढाल
ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਤੰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੇਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਫੂਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਸੈਸ਼ਨ ਕਹੋ ਜਾਂ ਸਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਡੀਸ਼ਨ ਸਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਣੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਨਾਰਕਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਸਪੇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਸੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 9 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਬ ਕੋਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੜਾ ਉਂਝ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੀਗਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਦੀ ਆ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ UAPA ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ UAPA ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਆਧਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਓਪਨਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਐਕਟੀਵਿਸਟ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਮੀਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਮੇਰਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਖਤਰਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਲਾਏ ਸੀਗੇ KP ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਛਵੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਤੋੜਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਸਟੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕਰਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਲਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਜੀ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਗਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਬੰਬੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ? ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਭ ਛੱਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2020 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਵਾੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ, ਮੈਂ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਉਹ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ KP ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਲਝੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੂਰੀ ਜਿਹਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2% ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੰਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੰਨ ਖਰੀਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸਮ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਇਨਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਆ ਸੈਕੂਲਰ ਵੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੀ ਆ ਸੋਵਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੈਕਸਿਸ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਛੜ ਗਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਓ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਪਲੱਸ ਦੂਸਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੇ ਆ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਰੋਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪਾ ਦਈਏ ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਚਾਈਨਾ 'ਤੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਰਪਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
उस नूं एक खास पासे तकन वाली गल हैगी या राजनीति तो पहला रेशम सिंह दी कॉल सीगी उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल स्टंट है राजहरन दी कॉल है वो एक वक्री गल कह रहे हैं जगजीत हरी वक्री गल कह रहे हाँ हाँ मैं तिन्ना तक कहना जिहड़ी इहदी जिहड़ी दूसरी इहदी रैपरकशन यह है कि इत्थे दे जिहड़े सिख बैठे आ वो इहो जिहा जदों रौला पाऊगा तो वह डिफेंसिव हो जाण और अपनी देशभगती नूं प्रूव करन लई बॉर्डर ते वध तों वध लड़ाई करन के नहीं उन्हां लई एक नवां सवाल तो खड़ा करे दिंदी है ना इहो जी जिहड़ी है कि देखो जी ये तो खालिस्तान बनाउणे आ रेफरेंडम की गल कर रहे हैं जिहड़े इत्थे सिख मजोरिटी जिहड़े पीस लविंग लोग आ जां डेमोक्रेसी दे इत्थे दी डेमोक्रेसी दे विच राम नाल इस वेले रह रहे आ जां सरकारां बना के भावें कोई भी सरकार पार्टी दे आए उन्हां नूं हुण एक एक्सट्रा कदम चलना पऊ इह दसण लई यह जी सारी डिबेट के विचों की क्ढण लई कि असी नहीं देशभगत है खासकर जो चीन के उत्ते यहोजा सा इस वे कलेष पिया हो एक तो यह गल हैगी हाँ जी की कहना ब्रेक ले लवा हाँ ठीक है ब्रेक का टाइम हो गया पीसीआर वाले वार वार मैं कह रहे ब्रेक ले लो तुम कॉल्स कर रहे हो तो कॉल्स ही लगातार लै रहे हैं कोशिश कर रहे हैं तो सारे कॉल्स लिखी हालांकि होर भी बड़िया कॉल्स आ रही थोड़िया तुम बहुत संजीदगी सवाल पूछ रहे हो संजीदगी अपनी राय रख रहे हो तो बहुत धन्यवाद है ब्रेक तो वापस आके होर कॉल्स लवेंगे जरूर एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं अज का मुद्दा च दहशतगर्द दुनिया असियन से चर्चा कर रहे हैं तो थोड़िया कॉल्स से लगातार ले रहे हैं ब्रेक तो बाद एक बार फिर प्रेस कॉल ले लीए हाँ जी सत श्रीकाल जी कौन बोल रहे हो सर कितों बोल रहे हो सत श्रीकाल जी हाँ जी हैलो मैं दो मिनट दियो मैं तुम दसा मैं 1956 इतने रहना हाँ जी हाँ जी सर की नाम नाम की थोड़ा सर नाम की है जी चैन खेड़ कितों बोल रहे हो जुबा सिटी कैलिफोर्निया हाँ जी हाँ जी कर सकते हो अपना सवाल कर सकते हो अच्छा मैं थोड़ा दसदा 1960 तो लैके 80 ती मेरा ना चलता हूं तो नहीं हो गया पता नहीं लगता कौन है इस करके मैं पूरी इंटरेस्ट लेना इंडिया नाल ते अमेरिका नाल भी ते मैं कई जाना रहना उत्थे मत लिया के हूं जिसले मैं इतने ऐसा सुन लियो ध्यान ना 3 रुपए पास आ जा अंग्रेज छड़ के गए डालर का फिर 8 फिर 5 हो गया फिर इंदिरा लोग माड़ा कहते मैं नहीं माड़ा कहता वो 8 रुपए पा डाल रहा जरा जो जींद रही मगरों हुलरी पै गई हूँ इस वे 75-76 हो गया मनमोहन सिंह ने थोड़ा टकाया सा 40 रुपए पा देना ये दुहाई पाते सब शरीफ लोग आ चाहे अकाली आ चाहे कांग्रेसी आ अपना ढिड भरी जाते इन्होंने पुट्ठे लटका के इन का पिछ थोड़ा बहुत माल कढ़ना चाहिए बस एवं हिंदी गाने दा नहीं प्लेटफॉर्म हैगा मैं इस करके तुहाडी कॉल नहीं लै पा रहा एक कॉल और आगे वो ले लिए हाँ जी सत श्रीकाल जी कौन बोल रहे जी कितों बोल रहे जी मैं आई वांट टू स्टे एनोनिमस ते मैं कुछ बोलना चाहना मैं कटना ना बिल्कुल ठीक है जी केड़ी सिटी तो बोल रहे हो सर तुसी केड़ी सिटी तो बोल रहे हो मैं अमेरिका तो बोल रहा मैं 52 साल तो अमरीका च रहना तुहाडी उम्र तो वध है मैं अमरीका च रहना मैं थोड़ी पंजाबी बोलने च भी मुश्किल होंदी है पर मैं पूरी कोशिश कर रहा मैं पंजाबी च बोलूं हां जी बोलो सर पूछ सकते हो प्लीज अपना सवाल कर सकते हो इस तरह है कि मैं इंडिया विच भी पंजाब च कदी नहीं रहा जदों मैं सिगा आई लिव्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया तो उहदे विच मैं एक चीज नोट करना वा कि जिहड़ा रेस्ट ऑफ इंडिया वै ना वह इन्ना ज़ाइनोफोबिक नहीं है जिन्ना नॉर्थ इंडिया या महाराष्ट्र गुजरात हैगे ने इन्हां च बड़ा फर्क है तो ये चीज़ नूं टोटल इग्नोर कर देना चाहिए सी इंडिया दे विच गुरप्रवंत सिंह नूं हुण गुरप्रवंत सिंह इन्ना पॉपुलर हो जाएगा कि हर इंडिया च एक बच्चा बच्चा उहदा नां जानेगा सो जिस तरह सलमान रश्दी की किताब कुछ साल पहला आई सी जिन्हों कोई जानता नहीं सी ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਖੁਮੇਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਟੀਚਿਊਡ ਨਾਲ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਇਗਨੋਰਡ ਇਟ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਦੈਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਫੋਰ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ
बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिदा सी, टोटल इग्नोर कर देना चाहिदा सी, और जो होना सी हो जांदा, की कर लैंदा कोई। और पंजाब मनजीत सिंह होरां ने हुणे कहा कि इट इज नॉट पॉपुलर इन पंजाब, सो वाई वी वर वरीड, we are not, we shouldn't have been worried. Te Manjeet Singh ji, I salute you, I am your admirer. Te main aap ji nu milya vi hoya Chandigarh de vich, I always keep note ke tusi jo bolde ho, I appreciate tusi eh bade mature professor ho tusi, I appreciate you very much. Thank you ji, shukriya sir, shukriya ji, shukriya sir, thank you, thank you. वैसे उन्होंने अपना नाम नहीं दस्सा गया, तुहानू मिले होया तुहानू नाम भी याद आ गया होना, चलो अपना नाम नहीं दस्सना गा, पर जिहड़ी गल उन्होंने की है कि ये बिना गल का एजेंडा जिहड़ा उसनू, वैसे कहिंदे ने नैगेटिविटी है जिहड़ी पॉपुलर कर दिंदी तुहानू, वो इन्हां दा कहिंदा मतलब वो सी केपी सिंह, उन्होंने बहुत अहम गल्लां कीतियां आ, भावें ना की कोई गल नहीं हैगी पर गल्लां बहुत इंपोर्टेंट। एक तो वह कहिंदे आ कि जिहड़ा हिंदू राष्ट्रवाद का एजेंडा आ वह नॉर्थ इंडिया दे विच ज़्यादा आ, महाराष्ट्र दे गुजरात दा जिक्र भी साउथ साउथ दे विच नहीं आ, उत्थे ते मतलब एक लैब है ना जिहड़ी गुजरात आ उहदे इक लैब हैगी, महाराष्ट्र शिवसेना करके उत्थे भी वह रीजन दे विच ज़्यादा, वैसटर्न इंडिया दे विच वह कह रहे हैं ज़्यादा, ये बिल्कुल ठीक गल है। और उत्थे वह जानबुझ के एक किस्म का जिवें करोना कह रहे हैं भी उत्थे तैयार किया गया है चाइना के उत्ते दोष लग रहा, इत्थे इस किस्म का ये बिल्कुल कम्यूनल वायरस जिहड़ा इत्थे तैयार होंदा, इत्थों फैलदा ते पनपदा। दूजी गल इहनू इग्नोर करना चाहिए, मैं उन्होंने सवाल चो ना एक चीज़ एक सवाल समझिया जिहड़ा कि शायद उन्होंने कहा नहीं गा, मैनू लगता है कि वो ये भी कहना चाहते हैं कि जे इहो जिहियां कारवाइयां पाईयां जा रही इनकी जमीनी हकीकत की है। पतवंत पन्नू का भी उम चल पूगा और चलिया ही है, पहला भी है वो जो भी है, मैनू जिस किस्म का उन्होंने स्पीचा जो अप्रोच मैनू देखता, मैनू नहीं लगता बिल्कुल ही किसी भी किस्म का खालिस्तान लिए सीरीयस लोग है, वो तो क्लीयरली वधिया ढंग ना पंजाबी गुरमुखी जिहड़ी साढ़े गुरुआं दे मूँह चो निकले हुए शब्द है, उन्होंने मैनू यह भी नहीं लगता कि कितने ना कि उन्होंने के पी सिंह जपजी साहब या गुरु ग्रंथ साहब न चंगे तरीके पढ़ के अपने जहन च उतारिया हो, उदो बगैर तुम किस तरह, तुम एक राजनीति की गल करते हैं, राजनीति बिना फलसफे तो किधर नू लै जूगी, वो एक होर दादागिरी वाल लै जूगी, सरबत दा भला बिल्कुल नहीं, उस तरह वो नहीं है, वो सरबत दा भला कह देण नाल नहीं हुंदा, तुहाडे वो मेरा सवाल इस करके सी, असीं तां चाइना दी सपोर्ट करदे आ, उदों जदों वी साडे जवान शहीद हुंदे आ, असीं तां चाइना नू चिट्ठियां भेजदे आ, मिस्टर पन्नू ने चिट्ठी भेजी है, इस करके सवाल कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल 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 ये गल ठीक हैगी है, इस किस्म ना उन्होंने बार बार जी वीडियो हूँ उन्होंने सर्कुलेट हुई है जी अज रेफरेंडम हाँ वो भी पई है, के पी सिंह उन्होंने ये कहना कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियंस जे उन्होंने चुन लेंगे, हूँ सानू दसो भी साढ़े को पासपोर्ट तो इंडियन आ, असी सिख है असी अपने आप को हूँ किधर कहीए, अं पन्नू वाल कहीए कि इंडिया वाल कहीए, इस तरीके दल्ला जी भाषा वरत रहे वो बड़ी गैर जिम्मेवार भाषा आ, और उत्थे बैठे। दूजी जी गल मैं कहन लगा विचों टोकी टोकी गई कि आर एस एस का एजेंडा कह लो जां हिंदू राष्ट्रवाद का इत्थे एजेंडा कह लो, जो एहोजे लोगों ये टैररिस्ट करार देंदे आ, डिबेट च लैके आउंदे आ, जिहड़े भाई साहब ने उन्होंने गल भी की है, वो उन्होंने भी फायदा इस गल का, उन्होंने एजेंडा भी उधरों तिखा हुंदा उधरों इन्हां दा हुंदा, जिहड़े आम बंदे सिविल राइट्स वाले आ उन वो जिहड़े आ एक बैकफुट ते ठीक है, तुहानू लगदा कि जानबुझ के कहूगा खड़ा करने की कोशिश। चलो एक छोटा होर ब्रेक लवेंगे, ब्रेक तो वापस आवेंगे, तुम कॉल्स कर रहे हो, तुहाडियां कॉल्स असं लगातार लैन की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कई कॉल्स मैं नहीं लै पा रहा, पर जिवें जिवें मौका मिलता तुहाडियां कॉल्स लवेंगे जरूर, ब्रेक तो वापस आ रहे हैं। एक बार फिर तुहाडा स्वागत है, नौ नूं ऐलानिया दहशतगर्द की कहना चाहती है सरकार, असी इसे मुद्दे चर्चा कर रहे हैं। प्रसमजीत सिंह लगातार साढ़े को कॉल्स आ रही हैं, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके नाल पिछे भी एक कॉलर ने सवाल खड़ा किया कि एक पोलीटिकल स्टंट लगता है, मैं सवाल को पहला भी एड्रैस तुहाडे तों करवाना चाहता सीगा, एक चीज़ तुसीं होर कही है कि दोवां धिरां नूं फायदा, मैं दोवां धिरां वाला फायदा भी समझा दो, तो पोलीटिकल एजेंडा पोलीटिकल स्टंट उन्होंने भी समझा दो।
देखो जिहड़ा दोवां धिरां दा मतलब यह है कि जो एक किस्म का कम्यूनल स्टेट अपना स्टांस लैंदी है जिवें हिंदू राष्ट्र दा लैंदे है इत्थे लगातार तुहानूं पता कि किवें नागपुर दे विच ते बहुत देर तक उन्होंने तिरंगा भी नहीं चलाया। उन्होंने तो यह है कि जिहड़ा तिरंगा नूं हटा के जल्दी तो जल्दी लाल किले ते भखवां जे हो जावे तो वह तां उन्हां नूं शांति मिलती है तो कुदरती है कि वह एजेंडे नूं भी अपरूवल मिलती है जदों उन्हां नूं यह लगता कि यह देखो जिहड़ियां घट गिणतियां आ यह सानूं इंज तंग कर रही ये साढ़े ते दहशतगर्द हैगे है साढ़े ते हमला कर गरज के बोलो भारत माता की जय गरज के बोलो वंदे मातरम यह नवी एक भाषा इत्थे पापूलर की जा रही है प्रधानमंत्री वालों सारी स्टेट वालों तो यदा मतलब ये दोवें धिरां दा सरदा पतवंत जिहड़े गुरपतवंत पन्नू है जां उन्हां दे होर सारे मित्र दोस्त आ उन्हां भी इस गल की रैकोगनीशन मिलती है उन्हां दी भी हवा बनती है कि देखो एक प्रधानमंत्री जां होम मिनिस्टर नूं साढ़े बारे इहो जिहियां गल्लां कहणियां पैंदियां आ। दूजा सवाल मैनूं दोबारा जी मैं यही कह रहा सीगा भी एक तो तुसीं ये कह रहे हो ना भी दोवां धिरां नूं फायदा एक मैं सवाल कर रहा पोलिटिकल स्टंट जिहड़ा कॉलर ने भी सवाल किया उन्होंने उस रूप में देखा जाए जो नखेड़ के देखा जाए कि पोलिटिकल स्टंट भी इन्हों का पोलिटिकल स्टंट है जी इन्हों इस तरह एलाना जाता नहीं मैं इनू सिंपल स्टंट नहीं मानता बड़ा एक देखो पंजाब एक बॉर्डर की स्टेट हैगी और ये कोई दो राय नहीं है कि सिखां दा डिफेंस विच भी हिस्टोरिकली भी और जिस किस्म का सभ्याचार कल्चर तो ये लोग है स्टेट उन्हां तो कितने ना कितने थोड़ा जिहा रिस्क महसूस करती रहिंदी है और इन्हां नू कॉर्नर करन लई लग ये सिंपल स्टंट नहीं है वैल कैलकुलेटड कैलीब्रेटड एक किस्म की चाल हैगी है जिहदे विच मैनू नहीं लगता कि खालिस्तान का किन्ना कि परपज सॉल्व होगा पर सिखां नू कॉर्नर करने लई डिफेंसिव करने लई कि तुसी बार बार अपना सर्टिफिकेट दो प्रूफ दो कि तुसी देशभक्त हैगे आ उस पोजिशन च जरूर खड़ा करते ठीक है ठीक है। हाँ जी सत श्री अकाल जी कौन बोल रहे जी कितों बोल रहे हो जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी मैं मनजीत सिंह मेरा नाम है जी मैं जवाहर तो बोल रहा हाँ जी तुसी अपना सवाल कर सकते हो जी। हाँ जी मेरा ये कहना जी जरा किसी मुद्दे से अपना प्रोग्राम चल रहा जगजी गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाते हाँ जी हेलो जी जी तुसी अपना सवाल कर सकते हो जी। हाँ जी तो ये गुरपतवंत सिंह पन्नू है दूसरा जगजीत सिंह चौहान खड़ा कर दिता भारत सरकार ने तुसी सारे जानते हो जगजीत सिंह चौहान नू खालिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली कौन सी साडी राज एजेंसी सेंटर की भारत सरकार की उन्होंने बकायदा अपना पंजाब तो इंग्लैंड भेजा गया और भारतीय हाई कमीशन ने उन्हों खालिस्तान के डालर खालिस्तान के पासपोर्ट सब कुछ छाप के दिता हाँ जी जी और अवैध वे चौरासी होया साडे नाल बहुत कुछ वापरिया अगे और जे थोड़ी बहुत माड़ी मोटी सिखा की वक्त दोबारा सरदार मनमोहन सिंह ने बनाई थी उन्होंने एक और खड़ा कर दिता एक्चुअली जरा गुरपतवंत सिंह पन्नू है यह भारत सरकार का बंदा वा यह राज एजेंसी वास्ते काम कर रहा सिखा बिल्कुल मूँह नहीं लाना चाहिए मैं परसनली भी जानता वा उदो इस काम च नहीं सीगा ये मैं इमीग्रेशन के काम च मिल चुका पर हौली हौली जो इन्हें सिख फॉर जस्टिस बनाई फिर इन भारतीय एजेंसिया ने इन प्लांट कर लिया हाँ जी तो यह जरा साढ़े वास्ते बड़ा माड़ा समा आ रहा होगा इनू गल सिखा जरा लाइटली नहीं लेना चाहिए ये बंदा भारत सरकार का वा मनजीत सिंह जी तुम कह रहे हो कि मैं परसनली जानता मेरा सवाल यह मनजीत सिंह जी भी जे असी साढ़े तो बाकी भी दर्शक है तुम सुनते पे है सारे सारे पंजाबी सुनते पे तुम वो ये सवाल करे थोड़े को सबूत हैगा कि तुम इस भारत सरकार की एजेंसियों का बंदा करार दे रहे हो। साडा पुराना तजर्बा यही कहता जी मैं तुम बिल्कुल क्लीयर कहना अज तक साढ़े ना की होया जी ये सारे बंदे प्लांट किए जाते हैं फिर सानू जुत्तियां मारिया जांदियां ने खालिस्तान लफज भी भारत सरकार तो आया ये भारत का जरा होम मिनिस्ट्री है ना साढ़े पिछे सन 47 की पई हुई है ये अच नवा नहीं है काम चलिया आजादी के 45 दिन बाद ही सानू इन्होंने जराइम पेशा कौम को ऐलान कर दिता सी भारत की सरकार ने और ये जरा है ना इतों सानू बड़ा सावधान रहना चाहिए सारा प्रोपोगंडा ये भारत सरकार का बनाया हुआ सारा ही जो स्क्रीन से देख रहे हैं ना ये बहुत मंदभागी गल होने वाली साढ़े अज अज तक मुसलमानों ने जुत्तियां पैंदियां रही भारत हुण साडी साडी वारी आ ते इस करके सानू इहदे तों बिल्कुल बच के चलन की लोड़ है सियाने होने की लोड़ वा ये कोई सिखां दा हताशी नहीं हैगा बंदा ये भारत सरकार वास्ते काम कर रहा इहदी गल कह के मैं गल खत्म करनी चाहांगा
ठीक ठीक है ठीक है मनजीत सिंह जी, शुक्रिया। इन्होंने जो पॉइंट उठाया रसमजीत सिंह, नाल एक सवाल यह भी आता फिर ये भारत के प्रधानमंत्री जिस तरीके भाषा की वरतों करता, जिस तरीके कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भाषा की वरतों करता, उवें फिर लोग भी यह सवाल करे कि जिहड़ी गल मनजीत सिंह ने कही है उसको काउंटर करने वास्ते कहणगे वो तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहा, किवें हो सकता है? नहीं देखो मैनू ये कोई बहुत वड्डी अतकथनी वाली गल नहीं लगती, इंज हुंदा आ देखो दोहरे पासे चली जांदा, वो कही जांदे आई एस आई दे हैगे आ ये पाकिस्तान के स्पोंसर्ड है जां कल नूं चीन का भी विच ना जोड़ देंगे वो साढ़े, क्योंकि अजकल उन्हां नाल तलखी चल रही है, देखो जी उन्होंने उत्थों भी फंड गए इस तरह के गए, बिल्कुल बिल्कुल करनगे करनगे राजनीतिक इन्हों का राज, क्योंकि राजनीतिक लाहा लैण की गल है, पर जिहड़ा इन्होंने बड़ा परसैप्टिव गल कही है उन्होंने बड़े कोशिश की है, देखो जगजीत सिंह चौहान तो लैके इस गल नूं जोड़नी, उन्होंने कहा मैं निजी तौर पर जानता भी हैगा कि इस तरीके का, तो ये कई बार एजेंसियां जां स्टेटां जे कोई होर सीधे सीधे झूठे पुलिस मुकाबले करके सैकड़े लोगों मार सकते हैं जिहड़े जेनुअन लोगों, तो इस तरह दी एजेंसियों वालों खड़ा कर लेना हर स्टेट हर करती है, और मेरा ख्याल है कि जे जिथों तक अज की जिहड़ी स्टेट जिस किस्म की गवर्नमेंट साडी इत्थे चल रही है, स्टेट का जो एटीट्यूड बनया होया कि जिहड़े जिन्ने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उन्होंने वीक करके एक हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को अगे करना, वो बिल्कुल सहाई हुंदा जिहड़ा उन्हां दा आर्गूमेंट है। ठीक ठीक है। हाँ जी सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो जी, कित्थों बोल रहे हो? मैं डॉक्टर संधु बोल रहा, मैं कैलिफोर्निया तो बोल रहा। हाँ जी डॉक्टर संधु, तुसी सवाल रख सकते हो सर अपना? हाँ जी तुसी सवाल रख सकते हो सर अपना? हाँ जी, सवाल मेरा यही है कि भी जो गुरप्रपंत सिंह पन्नू बारे जो रिमार्क दे रहे हैं उन्होंने बारे मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन करना चाहना। जी जी हेलो। हाँ जी हाँ जी बोल सकते हो तुसी जी, तुसी अपना सवाल कर सकते हो। हाँ जी देखो इदा है कि भी पहली गल तो यह है भी पहला तो सानू यह दसो भी जो गुरप्रपंत सिंह पन्नू है वो पाकिस्तान का एजेंट है कि इंडिया का एजेंट है? देखो तुम सारे लेबल करके भी फलाना यदा एजेंट है फलाना वह एजेंट है जो रियल इशूज नाइडलाइन करने। सैकेंडली जोड़ा इंडिया जदों हिंदू राष्ट्र की गल हों कोई मीडिया नहीं बोलता, जो खालिस्तान की गल हों सारे इतने कहने भी सारे माड़े बंदे है। देखो गल है भी कुछ तो रीजनेबलनैस होनी चाहिए है कि जे हिंदू राष्ट्र की गल होनी चाहिए है तो वाई नॉट खालिस्तान, वट्स रोंग विद दैट टेल मी। ठीक है डॉक्टर संधु, रसमजीत सिंह ये जो सवाल कर रहे उ हिंदू राष्ट्र को एड्रैस कर रहे भी उदों खालिस्तान की गल आती है, मेरा सवाल फिर उ असी जदों ये डिबेट भी शुरू की रेफरेंडम या खालिस्तान साडा इशू नहीं है, साडा इशू तो दहशतगर्द दुनिया वाला जिक्र कर रहे हैं, तो मेरा सवाल है नाल के कल्ले पन्नू का जिक्र क्यों हो रहा है, बाकी अठ जने हैं उन्होंने जिक्र तक भी नहीं होया? नहीं नहीं बिल्कुल हाँ। क्योंकि पन्नू थोड़ा जहा वोकल आ क्योंकि उन्होंने जानते हैं और वो लीड भी कर रहा है सारी गल नूं, वो उन्ना वोकल नहीं है, इस करके गल तो सारे नाल इक्को ही हैगी। रही गल कि जिहड़ी इत्थे दी हिंदू राष्ट्र वाली तो घट गिणती वाली गल, ये बिल्कुल ठीक है, जिवें जिवें सेंटर दे विच हिंदू राष्ट्र का एजेंडा ओपनली मजबूत होगा, कहिंदे जी मीडिया नहीं उन्हूं करता, मीडिया तो विचों ही आ, मीडिया किस तरह करेगा, मीडिया स्टेट के नाल आ इस वेले, वड्डा हिस्सा मीडिया का स्टेट के नाल, उहदा भूपा तूता बनया होया बिल्कुल, जो कहणगे उह दीआं आवाज़ां कढ़णगे, इस करके जिहड़ियां घट गिणतियां वाली जिहड़ी तुसीं कहिंदे कि इह करना, मैनूं लगदा कि दोवां नूं दूसरे ढंग नाल सोचण दी लोड़ आ। आपां इत्थे भी एक जिहड़े सैकूलर सिख माइंड जो सिख फलसफा सिख रस्ता जीवन वो तो सभ्य सांझीवालता का सिखाउंदा, वो कोई तोड़दा नहीं किसी नूं नखेड़दा नहीं किसी फिरका प्रस्ती नहीं, वो तो सारे धर्मां नूं सत्कार दिंदा आदर दिंदा माण दिंदा जिहड़ा, और वो मनुखवादी फलसफा हैगा कुदरतवादी फलसफा हैगा जिहड़ा सिक्खी दा हैगा। जे असीं इस किस्म की बाइनरी दे विच चले जांगे कि सानू तो खालसा दा उस किस्म का खालिस्तान, जां पहला डिफाइन करो किस दा सिख मैनीफेस्टो जारी करो कि सिख की चाहते हैं, वो फिर सारिया गल्लां तय हो जाए, असी हवा च जे डांगा मारी जावांगे तो सिखां दा ते सिक्खी दा ज़्यादा नुकसान करा लैने। रही गल कि उन्हां दी जिहड़ी स्टेट आ जिहड़ी इत्थे काबिल स्टेट आ वो तो नैचुरल कोर्स में ही हिंदू मजोरिटी स्टेट हैगी या भी 80% हैगे आ, उन्होंने कोई बहुता बिना रौला पाया भी वो बहुत कुछ करते रहे। एक मैं उन्होंने होर सवाल जरूर जाने, वो कहते रियल इशूज दबे जा रहे हैं, मेरा सवाल है रियल इशूज़ केड़े आ? जिहड़ी सिख कौम है जस्टिस मंगती पी है 84 का रियल इशू वो है, जिहड़ा कौम है जिहड़ा उसनू बनदा सन्मान उस तरीके नाल मिलना चाहिए कानून के मुताबिक
एक वक्री है जो धर्म है उन्हें रिकोगनाइजेशन मिलनी चाहिए है वो रीयल इशू है किड़ा रीयल इशू कहना चाह रहे देखो जे साड़ी सरकार जेनुअनली संघी ढांचे मजबूत करके तो सैकूलर सोशलिस्टिक रिपब्लिक जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उंज चले तो किसी की इतने कोई तकलीफ नहीं है सारियां स्पेस मिलेगी अपनी गल रखण की धर्म की वर्शिप करन दी धर्म नूं अगे भी तोरन दी हर किसी नूं मिलेगी पर उंज जेनुअनली हो नहीं रहा इस करके जिहड़े रीयल इशू जिहड़े बन जांदे आ इक ते घट गिणती ते बहु गिणती का बन ही जांदा है दूसरा मेरा ख्याल है कि जिहड़ी तुसीं इहने बार बार क्यों उठदा है 84 का जां होर किसे दा ये कोई दो राय नहीं है जो 1947 वंड हुई सी सिखा प्रोमिज किया कि इस गल के उत्ते कि जिथे तक जो देश साडा आजाद तुहानू इत्थे अपनी राजनीतिक आज़ादी का निग मानण लई आनंद मानण लई कोई ना कोई पोलीटिकल स्पेस मिलेगी वो स्पेस जो तुहानू नहीं मिलती तो ताडे एक लिंगरिंग उम्मीद जी लगातार जिक्र नहीं हुंदा बिल्कुल आनंदपुर साहब का मता जिहड़ा है वह तो अकालिया ने लिखा वह आह शब्द पाए हुए जो मेन मुख्य तो है कि जो सिख है वो इस गल की मंग करते हैं कि उन्होंने यहो जी कोई जी स्पेस मिले राजनीतिक जगह मिले मौका मिले जिथे वो अपने आजादी का निग माण सकन जो इंडियन स्टेट ने किसी वेले वादा किया एक लगातार उन्होंने एक आखिरी सवाल प्रसमजीत सिंह एक कागजी कार्रवाई है सिर्फ एक डिबेट खड़े करने की कोशिश है जां इस दे पिछे कुछ हैगा क्योंकि जिस तरीके नाल असी डिबेट्स कीती उहदे विच सानूं कहा गया कि इन्होंने हथियार सप्लाई किए हथियारां दी ओह कीता फंडिंग कीती ये वो बड़े बड़ी चीज़ें साडे अगे रखी गईआं उहदे विच तुहानू की नज़र आ रहा है एक सिर्फ कागजी कार्रवाई जां दे पिछे कुछ हैगा नहीं 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 ये तो बिल्कुल घट गिणतियां नूं खास करके इस केस दे विच ते कॉर्नर करके डिफेंसिव करके लैट डाउन करके उन्होंने ये दसण की लोड़ उन्होंने उन्होंने उत्ते दबाव बनाने की एक कार्रवाई हैगी है एवें नहीं है मैं बिल्कुल नहीं इस गल मानता कभी उन्होंने कह देंगे कि नहीं देखो खालिस्तानी ISI लड़े आ कभी करतारपुर के लांघे तो कहे कि उत्थे नहीं तुसी जा सकते तो उत्थे तो तुसी जाके कन्वर्ट होकर आ जाओ कि साडा इहदा मतलब लगातार जिहड़ी ये गल कहनी जां किसी का यह स्टैंड लैना करतारपुर लांघे खोलण ते इहदा मतलब है असी वल्नरेबल हाँ असी सारे खालिस्तानी हाँ असी देश भगत नहीं है इहदा मतलब वो जब देश भगती का उच्चे वध चढ़ चढ़ के नारे लाउंदे आ वो साडे तों भी उम्मीद करदे आ कि जिवें मुसलमानां तों उम्मीद करदे आ कि बोलो भारत माता दी जय वो कहिंदे असी नहीं कह सकते धर्म के मुताबिक सानूं भी कहणगे बोलो भारत माता दी जय बुल्ले सौ निहाल दा जिहड़ी आ वॉर कराई तुसीं बंद करो ये कल नूं इत्थे गल आउण वाली है इस करके जदों एक पास्यों चलूगी कोई धार्मिक ज़्यादा तेजी तो दूजे पास वह रिएक्शन होगा पर जो सिख का असली फलसफा आ सभ्य सांझी वालता वाला आ वह तोड़न वाला नहीं वह जोड़न वाला आ वह दयावान आ वह सबनों नाल लैके चलन वाला वह शांति का भी रस्ता आ लोड़ पे तो वह युद्ध का रस्ता भी है जो सिख गुरु सानू दस गए चलो बहुत धन्यवाद प्रसमजीत सिंह लगातार कॉल्स आ रही हैं बहुत कॉल्स आई हैं जिड़िया कि असी नहीं लै पा रहे हूँ वक्त इजाजत नहीं दे रहा थोड़ा बहुत धन्यवाद प्रसमजीत सिंह असी दहशतगर्द ते दुनिया दे बारे जिक्र किया नौ जणिआं नूं दहशतगर्द लाना गया की कहना चाहुंदी है सरकार ये सारे सवाल असीं कीते हैगे आ चर्चा तुसीं सुन ली है फैसला तुसीं खुद करना हैगा कि पंजाब नूं पंजाबियां नूं पंजाबीयत नूं किहड़े राह ते होना चाहिए किहड़े राह ते तुरना चाहिए सिख कौम है जिहड़ी घट गिणती आपदे आप नूं किस तरीके नाल महसूस करदी है इत्थे उह सारा कुछ फैसला तुहाडे हत्थ है असीं तुहाडे सवाल उहनां नूं अड्रैस कीता हैगा भारत सरकार ने जी कार्रवाई की उन्होंने अड्रैस किया है जोड़े उत्थों के इशूस है असं उन्होंने अड्रैस किया है भारत के विदेशों की दहशतगर्द जी पॉलिसी हैगी असी विश्लेषण किया है नवा कानून जोड़ा बनया उन्हें जी कार्रवाई की है उनका असी एजेंडा थोड़े अगे रखे है बहुत सारे इशू असी चर्चा की है तो एक बार फिर बहुत तय दिलों धनवाद करते हैं कि तुम कॉल्स की बहुत ही सुधिरता बहुत ही संजीदगी फोन कॉल्स की बहुत ही चंगे सवाल से वाजब सवाल से तुहानू समझ है कि कुछ करती है सियासत लोग की चाहते हैं बहुत धन्यवाद तुहाडा।